हम लोग तैरते ट्यूमर के जो मॉडल है इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ तीन चुंबक है और ये ब्लू ब्लू रंग वाला को जो हम इसमें डालते हैं ये सड़ता नहीं है, तैरता तैरने लगता नहीं कि झूलने लगता है। लेकिन जब हम ये लाल के साथ में ये ब्लू वाला ये डालते हैं ये सड़ जाता है। तो आज हम लोग इसी का कारण जानेंगे कि ये क्यों सड़ गया, वो क्यों नहीं सड़ा और क्यों तैर रहा है। तो इसमें कारण ये है कि ये जो चुंबक है इस हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ ध्रुव। जब दोनों ध्रुव एक जैसे रहेंगे, समान ध्रुव रहेंगे, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं ये आज समान इसलिए सट रहा है, लेकिन लाल लाल को ये अगर हम इसे मिला चैन नहीं मिलेगा, दूर भाग दूर आ गया। लेकिन इसके विपरीत जब हम असमान ध्रुव वाला लेते हैं, मतलब एक लाल और एक ब्लू का ले रहे हैं, तो ये सट जा रहा है। ये विज्ञान का सिद्धांत है कि दो ध्रुव जो समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण होता है और असमान रहेंगे तो आकर्षण होता है, और एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर, है ना। तो ये सिद्धांत तो यही है, इसी के कारण ये जो है सट नहीं रहा है, तैरता ही तैरने लग रहा है। अब इसका हम लोग हाँ इसको जब हम घुमा देते हैं कि ब्लू के साथ एक रेड का ले जा रहे हैं, सटता है। ये हो गया विपरीत आकर्षण के कारण, विपरीत ध्रुव के कारण। लेकिन समान ध्रुव रहेगा तो नहीं सटेगा, दूरी भागता ही रहेगा। ये इसका सिद्धांत हम लोग अब समझ गए हैं। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये तेज रफ्तार वाली गाड़ी जैसे बुलेट ट्रेन हो गया, इसका बनावट इस तरह रहता है कि समान ध्रुव वाला दो चुंबक हैवी है कि चुंबक लगा रहता है, जिससे गाड़ी जो है तेज आगे बढ़ती ही रहती है ना। और इसके अलावा और भी कई उपकरणों में लगाया जाता है जिसमें चुंबक का यूज होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हम लोग आज इसके बारे में जान पाए, चुंबक का यूज के बारे में। चलो ठीक है।